नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो है बीएड और एमएड इन कोर्सेज की सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होती है महाराष्ट्र स्टेट में, इसके बारे में। बीएड एक अलग कोर्स है, एमएड एक अलग कोर्स है। हालांकि इन दोनों की एडमिशन प्रोसेस एक जैसी ही है, इसलिए इन दोनों कोर्सेज का एक ही वीडियो मैंने बनाया है। यह वीडियो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। डिटेल्स में जानने के लिए आपको चाहिए कि आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सीईटी की वेबसाइट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कैप की वेबसाइट, इस पर जाए और अधिकृत जानकारी ले, ऑफिशियल जानकारी ले। इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको ये बताना है कि पूरा एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होता है। आपको राय है कि आप ज़रूर गवर्नमेंट की वेबसाइट देखिए। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप वन में है अप्लाइंग फॉर सीईटी। पहले स्टेप में कैंडिडेट को एप्लीकेशन फिल करना होता है सीईटी के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वेबसाइट दी है वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। स्टेप टू होता है, आपको सीईटी के लिए अपीयर करना होता है। आपके लॉगिन से आपको सीईटी का एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है और सीईटी के लिए अपीयर करना होता है। सीईटी जो होती है वो ऑनलाइन होती है, लेकिन आपको फिजिकली जाकर किसी कंप्यूटर लैब में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किए सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देनी होती है। स्टेप थ्री में सीईटी का रिजल्ट आता है। सीईटी का रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको सीईटी स्कोर कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। इमीडिएटली नहीं दी जाती, कभी कभी इस प्रोसेस में टाइम भी लगता है। तो आप पैनिक ना हो और राह देखें और पेशेंस के साथ ये देखें कि कब आपको आपके लॉगिन में से सीईटी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जिसने भी सीईटी दी है वही कैंडिडेट सिर्फ बीएड या एमएड कोर्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जो नॉन सीईटी कैंडिडेट कभी भी बीएड या एमएड के प्रोसेस में नहीं आ सकते हैं। आपको सीईटी स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों प्रिजर्व करनी है, आपको रखनी है, क्योंकि ये आपको बार बार बाद में एडमिशन के टाइम पे लगने वाली है। उसके बाद गवर्नमेंट एक कैप राउंड, कैप मतलब जिस सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का एक ब्रोशर डिक्लेयर करती है, जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन आते हैं। और उसी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक शेड्यूल डिक्लेयर किया जाता है कि ये एडमिशन के जो राउंड्स है वो किस तरह से होने वाले हैं और कितने राउंड होने वाले हैं। ये हर साल डिपेंड करता है कितने राउंड होने वाले, ये अलग से डिक्लेयर किया जाता है। तो आपका सीईटी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप पेशेंट रखिए और आपको ये आप देखते रहिए गवर्नमेंट की तरफ से कब ये एडमिशन का ब्रोशर डिक्लेयर होता है कैप की वेबसाइट के ऊपर। उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सारे जो रिजल्ट होते हैं पूरे यूनिवर्सिटीज़ के महाराष्ट्र में, वो जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाते, उनके ग्रेजुएशन के स्कोर जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाते, तो तब तक ये ब्रोशर आता नहीं है। क्योंकि जो अपीयर होते हैं कैंडिडेट लास्ट ईयर को, वो भी सीईटी देते हैं, तो जब तक वो उनका रिजल्ट नहीं आता ग्रेजुएशन का, तब तक ये अगली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो आपका सीईटी रिजल्ट लगने के बाद थोड़ी वेट कीजिए, आप अगले राउंड के बारे में अगली जानकारी के लिए थोड़ा वेट कीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आपको कैप राउंड के बारे में जो है पूरा ब्रोशर डिक्लेयर हो जाता है, वो पब्लिश हो जाता है, वो आप डाउनलोड कीजिए और उस सारा वो पढ़ लीजिए। और ये शेड्यूल भी बाद में वेबसाइट पे ही आएगा। ये जो वेबसाइट होगी ये कैप की वेबसाइट होगी या ये सीईटी की वेबसाइट से अलग वेबसाइट होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि बीएड या एमएड कोर्स में एडमिशन में दो वेबसाइट्स होती है। पहली वेबसाइट जो सीईटी कंडक्ट करती है और सीईटी का स्कोर डिक्लेयर करती है तब तक होती है, और उसके बाद जो एडमिशन के राउंड होते हैं उसके लिए एक अलग से वेबसाइट होती है। तो ये दो अलग अलग वेबसाइट्स होती है। इसलिए स्टेप फोर में जो होता है हमें एप्लीकेशन करना होता है कैप राउंड के लिए, मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के बारे में के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये अलग वेबसाइट है। पहली जो आपकी सीईटी की वेबसाइट है तो वहाँ पे भी आपने जानकारी भरी थी, तो अब आप आते हो कैप की वेबसाइट पे, यहाँ पे भी आपको सारी जानकारी भरनी होती है। इसमें क्या होता है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने होते हैं, आपको परसेंटेज डालने होते हैं, सीईटी का आपका स्कोर डालना होता है, आपकी जो कैटेगरी, आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो या आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, या फिर आपका रिजर्वेशन ST OBC NT क्या है, ये भी आपको यहाँ भरना होता है। अगर आप कैटेगरी है तो आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारे यहाँ पर हमें अपलोड करने होते हैं। आपको मेथड भी देना होता है, जो सब्जेक्ट आपको बीएड में आपको स्पेशल सब्जेक्ट के लिए लेना है, जो जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं वो भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको भरना होता है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये मेथड की लिस्ट वहाँ पर होती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो, तो वहाँ से सिर्फ आपको सिलेक्ट करने होते हैं।
इसी वक्त आपको कॉलेज के प्रेफरेंस भी इस एप्लीकेशन फॉर्म में देने होते हैं। जनरली ये आता है कि आप 10 तक कॉलेज दे सकते हो, 10 कॉलेज तक के प्रेफरेंस आप दे सकते हो, और मिनिमम एक तो आपको प्रेफरेंस देना ही होता है। उसके बारे में जानकारी ब्रोशर में आपको मिल जाती है। जो भी आपने ये सारी जानकारी दी है उसके आपको प्रूफ जो है अपलोड करने होते हैं, मतलब मार्क लिस्ट हो गए या रिजर्वेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हो गए, या फिर डिसेबल्ड के कुछ सर्टिफिकेट्स हो गए, जो भी सर्टिफिकेट्स हो गए वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। जिस बारे में भी आपको रिजर्वेशन लेना है वो सर्टिफिकेट और मार्क लिस्ट यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन पूरा होने के बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये आपको बाद में लगने वाला है। तो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब आपको प्रिंट भी प्रिजर्व करनी है और आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रिजर्व करनी है, क्योंकि ये एडमिशन के टाइम आपको आपको लगने वाला है। उसके बाद आता है स्टेप 5, कैप राउंड जब शुरू होते हैं। ये जब प्रेफरेंस आप भर देते हो, एप्लीकेशन भर देते हो, तो कैप राउंड शुरू होते हैं। इन कैप राउंड में क्या होता है, इसमें सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन होता है। जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट में आपको ये आपका किस आपको कौन सा कॉलेज दिया गया हो इसकी जानकारी आपको मिल जाती है, और ये मेरिट के हिसाब से दी जाती है। आपका जो सीईटी के स्कोर है उसके हिसाब से दी जाती है। मान लीजिए आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको नहीं चाहिए, तो आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना है। उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो कॉलेज को इन्फॉर्म करना है, ना ही वेबसाइट पे कुछ करना है। अगर आपको आपने प्रेफरेंस में दिया हुआ पहला कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। हाँ, आपको अगर 2 से लेकर अगले प्रेफरेंस मिल जाते हैं कॉलेज के और आपको नहीं चाहिए तो आप डिनाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कहीं पर भी किसी को भी इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली ये होता है कि राउंड 1 और राउंड 2 के बाद फिर से एक बार आपको कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आप फिर से एडिट करने का आपको चांस मिलता है। अच्छा, आपको ये लगेगा कि ये कॉलेजेस की लिस्ट आपको कैसे पता चलेगी, कहाँ कितने कॉलेज, कौन से मीडियम के कॉलेजेस है। तो जब आप ये प्रेफरेंस देते हो तो वहीं पे उसी वेबसाइट पे ये होता है, वहीं पे पूरी लिस्ट अवेलेबल होती है। आपको लिस्ट में से सिर्फ क्लिक करना होता है कौन से कॉलेज आपको चाहिए होते हैं। मीडियम वाइज आप वो सॉर्ट कर सकते हो, लिस्ट देख सकते हो, मीडियम वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज आप वो लिस्ट, कॉलेज की लिस्ट देख सकते हो। उसमें से आपको जो भी कॉलेज चाहिए उनके कोड वहाँ पर सिर्फ आपको इंटर करने होते हैं, तो वहीं पे वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ये होता है कि 4 राउंड्स होते हैं। हर राउंड के बाद पहले 2 राउंड होते हैं, उसके बाद फिर से 2 राउंड होते हैं कैप राउंड के, एडमिशन राउंड के। लेकिन हो सकता है इसमें कभी 5 भी हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट ब्रोशर में डिक्लेयर करते हैं कि कितने राउंड एडमिशन के होने वाले हैं। आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये जो मेरिट होते हैं ये कैप राउंड में मेरिट के हिसाब से जाते हैं और रिजर्वेशन के हिसाब से जाते हैं। रिजर्वेशन होता है सब्जेक्ट वाइज, जैसे अगर लैंग्वेजेस में अगर है तो लैंग्वेजेस के लिए रिजर्वेशन अलग आता है, साइंस के लिए अलग आता है, सोशल स्टडीज़ के लिए अलग आता है। तो ये सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन होता है, और आपको उस रिजर्वेशन में फिर से रिजर्वेशन ये भी होता है कि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट है और आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट है, इस तरह से भी उसमें रिजर्वेशंस होते हैं। तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा। हो सकता है आपको इमिजिएटली पहले या दूसरे राउंड में आपको जो चाहिए वो कॉलेज ना मिले। ये भी हो सकता है कि आपका नाम ही पहले राउंड में ना आए, दूसरे राउंड में भी ना आए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आउट ऑफ राउंड हो गए हो, आपको तीसरे और चौथे राउंड के लिए भी वेट करना होगा। ये ऐसे होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 आता है। सारे गवर्नमेंट के जो कैप राउंड होते हैं वो होने के बाद आता है एक आखिरी राउंड होता है, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल राउंड। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है ये भी होता है, इसके लिए आपको कॉलेज में अप्लाई करना होता है। आपका सीईटी और एप्लीकेशन फॉर्म देकर आपको जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन ये याद रखिए कि ये भी कॉलेज का राउंड जो था ये भी मेरिट के हिसाब से ही आता है, तो इसमें भी कोई फेयर की नहीं है, क्योंकि ये कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। ये भी मेरिट के ऊपर ही एडमिशन होता है। सिर्फ फर्क ये है कि आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन के लिए एप्लीकेशन करना होगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल राउंड। इसकी फीस भी सेम होती है, सारे रूल्स रेगुलेशन सेम होते हैं जो कैप राउंड के होते हैं। तो इसमें कोई यहाँ पे भी कोई करप्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। पूरा जो प्रोसेस होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड का ये भी मेरिट के बेस पर ही होता है। इसके बाद आपको आता है स्टेप नंबर 7 एडमिशन का। तो एक्चुअल में आपको किसी भी अगर राउंड में आपको जो कॉलेज है अगर मिल जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है,
तो आपको जो भी कॉलेज मिल जाता है तो आपका एक कॉलेज लॉग, आपका जो पर्सनल लॉगिन होता है वहाँ पे आपको एक कॉलेज अलॉटमेंट लेटर या फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर वहाँ पर होता है, वो आपको डाउनलोड करना होता है। वो आपके लॉगिन में आपको मिल जाएगा, उसकी प्रिंट ले लीजिए और उस प्रिंट को लेकर आप उस कॉलेज को विजिट कीजिए जो कॉलेज आपको मिला है। वहाँ पे कुछ डेट्स होते हैं, अगर आपने ये डेट्स मिस कर दी तो आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई नहीं है। आपको जो भी शेड्यूल डिक्लेयर किया जाता है एडमिशन राउंड का, आपको ठीक से देखना है। और आपको ज़्यादा दिन का समय नहीं होता है, 4-5 दिन हो सकते हैं एडमिशन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं मिलते हैं क्योंकि अगला राउंड शुरू करना होता है। तो आपको जो डेट दी गई है उस डेट के भीतर ही आपको एडमिशन के लिए कॉलेज में जाना है। जाते समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए हैं वो उनको लेकर जाना है कॉलेज में। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपने अपलोड किया है और एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी लिखा है उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट सही या नहीं है। जैसे कि आपने जो स्कोर लिखा हुआ है आपने पीजी का या फिर डिग्री का, तो वो वहाँ पर मैन्युअली वेरीफाई किया जाता है कॉलेज में। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है तो आपको एडमिशन आपका हो जाता है। उसके बाद आपको फ़ी जो भी होगी वो कॉलेज में पे करनी होगी, कॉलेज जिस भी प्रोसेस से बोलता है, अगर वो ऑनलाइन होते हैं या फिर बैंक में होता है या फिर कैश में होता है, डीडी में होता है, जिस तरह से भी होता है आपको कॉलेज में फ़ी जमा करनी होती है। इसके बाद आपका एडमिशन पूरा हो जाता है। मतलब आपका जो चाहे आपको कॉलेज चाहिए वो मिलने के बाद आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जाएंगे, वो वेरीफाई होगा और आप फीस भरेंगे कॉलेज में ही, और वहाँ पे आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया है। जब जैसे ही आप कॉलेज फीस भरते हो तो कॉलेज अपनी तरफ से आपका नाम गवर्नमेंट की वेबसाइट में देता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि आप जो उसके बाद के जो एडमिशन के राउंड है उसके लिए आपका नाम नहीं आता है। तो एक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उसके आपको ज़रूरत भी नहीं होती है, आपका एडमिशन हो चुका होता है। तो इस तरह से सिंपली इन 7 स्टेप में ये पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है। कुछ और बातें इंपॉर्टेंट इसमें आपको बता दूं कि आपके जो भी पासवर्ड और लॉगिन होंगे वो आप सेफ रखिए, अपने पास रखिए, किसी को मत दीजिए क्योंकि सारी जानकारी आपको वही आने वाली है। सीटी का अलग आपका लॉगिन पासवर्ड होगा, उस तरह से कैप राउंड का जो वेबसाइट होगी वहाँ पे भी आपका अलग से लॉगिन पासवर्ड और यूज़र नेम अलग से होगा। तो क्योंकि आपको सारा कम्युनिकेशन इस कैप की वेबसाइट से होता है और आपके लॉगिन में से होता है तो आपको ये होना ज़रूरी होता है। तो कभी कभी अगर आप भूल जाते हो तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कौन से कॉलेज मिला है, आप ये भी नहीं कह सकते, आपको एडमिशन का लेटर भी नहीं मिलेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है पासवर्ड और लॉगिन जो है वो आपको सेफली रखना है। सारे इंस्ट्रक्शन आपको कैप की वेबसाइट पर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगी, तो आपको ये इधर उधर पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कभी भी किसी कॉलेज में पहले ही सबमिट मत कीजिए क्योंकि ये कैप के गाइडलाइंस में नहीं है। आपको जब कॉलेज मिलता है और आप जब कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से आपको आता है लेटर, प्रोविजनल लेटर, उसी के बाद ही ये डॉक्यूमेंट जो है आपको कॉलेज में सबमिट करने, उससे पहले सबमिट नहीं करने हैं। ये जो पूरी एडमिशन होता है ये प्योरली सीईटी स्कोर पर होता है और ये मेरिट बेस होता है, इसमें कोई भी करप्शन नहीं होता है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होती है और सीईटी के स्कोर के बेस पर ही आपका मेरिट आता है। सीईटी के सिवाय कोई भी एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने सीईटी नहीं दी है तो उसको इस साल एडमिशन नहीं आएगा। आपका जो सीईटी का स्कोर है वो 1 साल के लिए ही है, ये आपको अगले साल ये सीईटी का स्कोर नहीं चलेगा। आपको फिर से अगर इस साल आप नहीं देते हो तो अगले साल देना है, तो अगले साल फिर से सीईटी देनी होगी और उस स्कोर के आधार पर आपका अगले साल का एडमिशन हो जाएगा। तो सीईटी का स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए उसी साल के लिए वैलिड होता है। आप ये जो गवर्नमेंट की दो वेबसाइट होंगी, सीईटी की वेबसाइट होगी और कैप राउंड की वेबसाइट होगी, आपको उसको रेगुलरली विजिट करना है ताकि आपको सारी एक से एक इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि हो सकता है आपके लिए अगर आपका एडमिशन कहीं पे होने वाला है और अगर उसकी डेट निकल गई तो आप एडमिशन नहीं कर सकते हो। और पूरे बीएड एडमिशन प्रोसेस में कहीं भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, पूरा जो एडमिशन होता है पूरा सिस्टम जो है वो मेरिट के ऊपर ही है और कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। तो आपको जो है वो मेरिट के हिसाब से ही, हो सकता है वो एडेड कॉलेज हो या अनएडेड कॉलेज हो, सारे कॉलेजेस में एडमिशन ये मेरिट के बेसिस पर ही होता है। ऑल द बेस्ट आपको इस एडमिशन के लिए, और फिर से एक बार आपको बता दूं कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट रेगुलरली देखते रहिए
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नाम है चैनल का टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।